नमस्कार, फूल टॉस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, चेन्नई अपना मैच हंसी की वजह से ही जीता है। अच्छा, तो फिर कोची को भी हंसी ट्राई करनी चाहिए, एटलीस्ट वो जीत तो जाएंगे। आफ्टर ऑल सेड ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओए गुरु, हंसने से बढ़ता है खून, हंसने से बढ़ता है खून। ओ डार्लिंग मंदिला, Tonight I'll show you the full moon. Really? Where? Wow! अरे क्या? Where? Here? Cricket? Full toss? मैं Michael की बात कर रहा हूँ, Michael की। बेचारू जी, Michael अब ऊपर जा चुके हैं और उनको क्रिकेट खेलना भी नहीं आता था। Come on बेचारू जी, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए क्रिकेट के बारे में, वरना यहाँ से जाइए। चले आते हैं मुंह उठाकर। ओए मंडिला जी, बेचारू को पता नहीं क्रिकेट क्या है चीज। Exactly. बेचारू को पता नहीं क्रिकेट क्या है चीज, शक्ल से लगते हैं बदतमीज। I agree. Please पित्तू जी, आप तो कम से कम तमीज की बात मत कीजिए, कम से कम क्रिकेट की ही बात कर लीजिए। मैं हंसी के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और आप है कि माई फ्रेंड, रिमेम्बर वन थिंग, हंसी के मामले में मैं हूँ नंबर वन। हंसो और हंसाओ, यही है जीवन। वाह पिद्दू जी, आप समाज के बारे में कितना सोचते हो, जीवन। वाह, अरे उसी समाज का मैं भी हिस्सा हूँ, अरे मेरे बारे में भी तो कोई सोचे। ओए मोहतरमा, एक शेर अर्ज किया है, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, ऋतिक की फिल्म में थी बारबरा मोरी। नमस्कार, फुल टॉस में आपका स्वागत है। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, इस बार YPL में पीयूष चावला बैट्समैन को बहुत फ्लाइट दे रहा है। क्या पीयूष चावला के पास इतना पैसा कि वो सारे बैट्समैन को नई फ्लाइट दे रहा है? What is she talking about? मोहतरमा, मुंबई से चंडीगढ़ जाने के लिए लेना पड़ता है फ्लाइट, दो चार पेग लगा के हो जाता हूँ मैं टाइट। पिद्दू जी आप भी ना। फ्लाइट छोड़ के क्रिकेट पे वापस आ जाए, आपको क्या लगता है पिद्दू जी कि 2020 में लॉन्ग ऑन रखना चाहिए या लॉन्ग ऑफ? मेरे हिसाब से लाइट बचाने के लिए लॉन्ग ऑफ ही रखना चाहिए, ऑन रखने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा ना, करेक्ट? ओ बेचारू जी, एक बात समझ लीजिए, लॉन्ग तब खाते हैं जब होते हैं दांत में दर्द। आपकी बकवास बातें सुनकर मेरे सर में हो गया दर्द। ओफो, मैं फील्डिंग पोजीशन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात कर रहा था, क्या जाने दीजिए। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, इस बार मुंबई की टीम को कम से कम 8 रन का रेट रखना पड़ेगा, तभी वो जीत सकते हैं। 8 का रेट? बिचारू जी, आप मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग करते हैं? What is she talking about? ओए मोहतरमा, don't worry, तुमने मेरे दिल में किया है spot fix, जिस तरीके से सचिन अपने बल्ले से मारता रहता है six. बेचारे जी हंसिए ना। नमस्कार, फुल टॉस पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एडम की बात करते हैं। ओ बिचारू जी, कब से मेरे दिल में एक सवाल था, सबसे पहले सेब किसने खाया, एडम या ईव ने? मैडम, आई एम योर ओनली एडम, वादा करता हूँ खुश रखूंगा मैं तुम्हें हर दम। थैंक यू सो मच पिद्दू जी। गलती हो गई एडम की बात शुरू करके, भूल जाइए। लेग ब्रेक के बारे में क्या ख्याल है पिद्दू जी? हाउ डेयर यू बिचारू जी, आप पिद्दू जी का लेग ब्रेक करने की धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं मंडिला जी, मैं लेग ब्रेक यानी स्पिन बोलिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप ही बताइए मंडिला जी, लेग ब्रेक किस काम आता है? सिंपल, गाड़ी रोकने के लिए। माय फ्रेंड्स, जिस तरीके से गाड़ी में हाथ से ब्रेक लगाने से दुर्घटना होती है, मंडिला जी आपके दिमाग खम होने से इस शो की दुर्गति होती है। पिद्दू जी इतनी सारी तारीफ। अरे इस पेन की मेरे हाथों कोई दुर्घटना हो जाए, लेट्स टेक अ ब्रेक। थैंक्स बिचारू जी, मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में ऑलरेडी ब्रेक है। आज हमारे साथ हैं देश के एक मशहूर नेता। मिलॉर्ड, इन पर इल्जाम है कि आजकल ये फिल्मों में भी एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि इनको तो एक्टिंग आती ही नहीं है। पटांग बोले चला जा रहा है, हम लोग जब पब्लिक बीच में जाते हैं उनसे वादे करते हैं, हम लोग ध्यान से देखो
कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते। सुना है कल हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करते समय कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे वो तो डायरेक्टर ने जैसे ही कहा कट, हम कैंची लेके हीरोइन की तरफ भागे, उसकी चोटिया में जो रिबन बंधा था फीता, उसको धड़ से काट दिए। भाई उद्घाटन करने की आदत है, इसमें हीरोइन मुंह फुला के बैठ गई अकड़ के। ये हीरोइन अगर बाहर कहीं मिल जाए, इनकी चोटियां खींच कर दुई लाफा मारे। गड़बड़ हो गई थी। अब आप पर एक इल्जाम और है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपने शूटिंग में भाग लिया। तोरा के कौन बोला हम शूटिंग में भाग लिया, हम तो वहीं से भाग लिया है, जिससे कि पहले हीरोइन और उड़ाती हमारी खिल्ली, हम वहां से लपक के भाग लिए दिल्ली। आज हमारे साथ है देश के एक महान नेता। आप पर इल्जाम है कि आपके जो दावे हैं वो सारे के सारे खोखले निकलते हैं। जैसे कि आपने बोला था कि फल और सब्जियों के दाम जो है वो गिर चुके हैं, कोई सबूत है आपके पास? और इसका सबसे बड़ा सबूत है, हमारा जहां भी भाषण होता है वहां हमारे ऊपर इतना इतना फल फ्रूट गिरता है, तो ऐसा ही कोई गिरा देगा? दाम गिरे हैं तो गिराता है। नेताजी आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप जब भी मदद किसी की करते हैं तो वो सामान हमेशा देरी से पहुंचता है। अब पीछे बिहार के किसी गांव में सूखा पड़ा था, लेकिन आपका सामान मदद का तब पहुंचा जब वहां बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के टाइम पे पहुंच गया ना, बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद मिल गया ना, अब उस गांव में जब कभी भविष्य में फिर से सूखा पड़ेगा तो बाढ़ वाली जो सामग्री है सूखे के टाइम पे पहुंचा देंगे। नेताजी आप पर एक इल्जाम और है, आप कब से ये दावा कर रहे हैं कि आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे लेकिन आज तक नहीं चली, क्यों? भाई हम झारखंड में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे कि हमारी ट्रेनें जब जाती हैं तो वहाँ डाकू लोग अपराधी लोग ट्रेनों के ऊपर बुलेट चलाते हैं, धड़ 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 बुलेट चलाते हैं। जब ऑलरेडी बुलेट चल रहा है तो हमको अलग से खर्चा करने क्या जरूरत है, हमारे देश में पहले ही से इतना बड़ा बुलेट ट्रेन है। तो जज साहब ये तो खुद ही सो रहे हैं, बंद करो कोर्ट को। अरे नेताजी आप ऐसे कहाँ जा रहे? हेलो साहब, साहब साहब देखिए मंगू ने क्या किया, अम्मा के घर चोरी करते पकड़ा गया। ये कह रहे मंगू, अबे तू इतना गिर गया है कि अपनी खुद की अम्मा के घर में चोरी करने पहुंच गया। साहब खोपड़ी भिन्ना डोरी मेरी, झूठ बोल लिया ये साहब, मैं चोर हूँ नेता नहीं, जो अपनी इंसानियत भूल गया हूँ। अरे हवा साहब भी नेता नहीं है लेकिन इंसानियत भूले बैठे हैं यार। हाँ, ये जूतो छटा। ये मंगू तू ही बता तो फिर कौन सी अम्मा के घर में गया था चोरी करने के लिए? साहब मैं गया था वो अम्मा के घर पे जो सबकी अम्मा है, चेन्नई वाली अम्मा। अबे मंगू अबे पागल हो गया का तू, इतनी बड़ी हस्ती के घर में चोरी करने पहुंच गया? अबे साहब से पूछ लिया होता तो साहब आइडिया देते किसके यहाँ चोरी करनी है, बहुत सारी अम्मा को जानते है। हाँ, जू तो छटा। मंगू तू हमको ही बता, वो अम्मा के घर में का उनकी कीमती चप्पलें चुराने गया था? साहब अम्मा के पास चप्पलें साड़ियां तो इतनी है कि दो ट्रक में भी ना है, वो कैसे चुराऊंगा मैं? मैंने तो चुराया एक ऐसा लेटर जिसमें अम्मा ने और दीदी ने एक दूसरे को लिखा था कि आओ देश के लिए मिल के काम करें, वो लेटर चुरा लिया मैंने। क्यों? ताकि हमारे देश की ऐसी तैसी ना हो। मंगू आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब साहब क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अरे मंगू तेरे को कितनी बार बोला है ये सब चोरी हो रही छोड़, पुलिस में भर्ती हो जा साहब की तरह, घुटना मार के नक्शे फोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे मेहनत करके खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ए हवलदार एक काम कर, इसको अंदर ले जाके मेहनत के साथ दो चार अच्छे से खिला। अभी आप बावले बने की बात कर रहे हो साहब, ना मैंने कोई चोरी की ना कोई डाका, फिर क्यों मारेगा मुझे ये? अच्छा तो कई हवलदार तुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए लेके आया है, कहे पकड़ा इसको? साहब ये पप्पी लहरी के घर से निकल रहा था, मैंने पकड़ लिया। ओहो मंगू इस बार तो बहुत मोटा हाथ मारे हो। साहब पूरा घर मैंने उनका छान मारा, कुछ मिला ही नहीं। यह झूठ मत बोल, पप्पी लहरी मत बोल, सोना ही सोना। अब यही सोच के तो मैं उनके घर पे कूदा था। फिर क्या, खाली हाथ लौट आया, पप्पी लहरी घर पे थे ही नहीं।